हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द सेलिंग ट्रिप चैप्टर 7 फ्रॉम द इंग्लिश रीडर बुक ऑफ डीएवी क्लास 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द चैप्टर द सेलिंग ट्रिप। अभी एंड कामना आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा। अभी सेज आई वांट टू सेल ऑन अ शिप, लेट अस गो बाय शिप। बट कामना वांट्स टू गो बाय ट्रेन। I like the sound of the train when it moves on a rail track, she says. Father comes into the room. He has tickets in his hand. Children, we are going to Goa on Friday, he says. How are we going, Papa? asks Abhi. We are going by ship, says father. But Papa, I want to go by train, says Kamna. My dear, we are coming back by train, says father. Abhi and Kamna are happy. On Friday, all of them get into the ship. The ship starts sailing in the water. It takes 2 days to reach Goa. Abhi and Kamna have a good time. They find a snail on the ship. They put it in a pail. They play with it. Next day, it rains. Abhi hears something calling, "Help me, help me." He runs out to see. Kamna also runs out. A small boy is drowning in the water. Abhi picks up a chain. He throws it to the boy. The boy holds the chain. Abhi and Kamna pull him up. The boy is now safe. There is a blood stain on his head. The three children become friends. Abhi and Kamna let the boy play with the snail in the pail. Papa says, "You are good children." तो बच्चों, रीडिंग पढ़ने पर हमें कुछ न्यू वर्ड्स मिले। अब हम नोट डाउन करेंगे उनके मीनिंग्स। सो बी रेडी विथ योर कॉपी एंड पेंसिल। वर्ड मीनिंग, नंबर 1, ट्रिप मतलब यात्रा। नंबर 2, सेल मतलब जल यात्रा। नंबर 3, रेल ट्रैक मतलब रेल की पटरी। नंबर 4, कम बैक मतलब वापस लौटना। नंबर 5, रीच मतलब पहुँचना। नंबर 6, पेल मतलब बाल्टी। नंबर 7, ड्रॉनिंग डूबता हुआ। नंबर 8, पिकअप उठाना। नंबर 9, थ्रो फेंकना। नंबर 10, होल्ड पकड़ना। नंबर 11, स्टेन दाग। नंबर 12, बिकम होना। तो बच्चों, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग और साथ में इनकी स्पेलिंग दोनों लर्न करनी है। अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन मीनिंग के साथ। चैप्टर का नाम है द सेलिंग ट्रिप, यानी जल यात्रा। अभी एंड कामना आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू गोवा। अभी और कामना गोवा की ट्रिप में जा रहे थे। अभी सेज आई वांट टू सेल ऑन अ शिप। अभी बोला कि मैं शिप से यात्रा करना चाहता हूँ। लेट अस गो बाय द शिप, तो चलो शिप से चलते हैं। बट कामना वांट्स टू गो बाय ट्रेन, लेकिन कामना ट्रेन से जाना चाहती थी। आई लाइक द साउंड ऑफ द ट्रेन व्हेन इट मूव्स ऑन अ रेल ट्रैक, शी सेज। जब ट्रेन पटरी पे चलती है तो उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, कामना ने कहा। फादर कम्स इनटू द रूम, ही हैज़ टिकट्स इन हिज हैंड। पापा रूम में आते हैं और उनके हाथ में टिकट है। चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू गोवा ऑन फ्राइडे, ही सेज। उन्होंने कहा, बच्चों हम लोग फ्राइडे को गोवा जाएंगे। हाउ आर वी गोइंग पापा, आस्क अभी। हम लोग कैसे जाएंगे पापा, अभी ने पूछा। वी आर गोइंग बाई शिप, सेज फादर। फादर ने कहा, हम लोग जहाज से जाएंगे। बट पापा आई वांट टू गो बाई ट्रेन, सेज कामना। तब कामना ने कहा, पापा मैं ट्रेन से जाना चाहती हूँ। बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अभी जो है शिप में जाने की बात सुन के उछल उठता है और कामना कहती है, मैं तो ट्रेन से जाना चाहती हूँ, और इधर पापा के हाथ में टिकट है ना। माय डियर वी आर कमिंग बैक बाय ट्रेन, सेज फादर। पापा ने कहा, मेरी प्यारी गुड़िया हम लोग ट्रेन से आएंगे। अभी एंड कामना आर हैप्पी, अभी और कामना दोनों खुश हो गए। ऑन फ्राइडे ऑल ऑफ देम गेट इन टू द शिप, फ्राइडे को वो सब जहाज में चढ़ गए। द शिप स्टार्ट सेलिंग इन द वाटर, जहाज ने पानी में यात्रा शुरू की। इट टेक्स 2 डेज टू रीच गोवा, गोवा पहुंचने में 2 दिन लगे। अभी एंड कामना हैव अ गुड टाइम, अभी और कामना का समय अच्छा बीत रहा था। दे फाइंड अ स्नेल ऑन द शिप,
उन्होंने सीप में एक स्नेल देखा। बच्चों स्नेल कैसा होता है? यस दिस इज अ स्नेल। है ना कितना प्यारा सा स्नेल ये। दे पुट इट इन अ पेल। उन्होंने इसको एक बाल्टी में रख दिया। दे प्ले विथ इट। वो इससे खेलने लगे। नेक्स्ट डे इट रेन्स। दूसरे दिन बारिश हो रही थी। अभी हेयर समथिंग कॉलिंग। हेल्प मी हेल्प मी। अभी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ही रन्स आउट टू सी। वो देखने के लिए दौड़ के आया। कामना ऑल्सो रन्स आउट। कामना भी दौड़ के बाहर आई। ए स्मॉल बॉय इज ड्राउनिंग इन द वाटर। एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा था। अभी पिक्स अप अ चेन। अभी ने चेन उठाया। ही थ्रोज इट टू द बॉय। उसने ये चेन उस लड़के की तरफ फेंक दी। बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चा कैसे डूब रहा है और वो डर के मारे आवाज़ लगा रहा है। और अभी और कामना जहाज से उसको देख रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। द बॉय होल्ड्स द चेन। उस लड़के ने चेन को पकड़ लिया। अभी एंड कामना पुल हिम अप। अभी और कामना ने उसको ऊपर खींच लिया। द बॉय इज नाउ सेफ। वो लड़का अब सुरक्षित था। देयर इज अ ब्लड स्टेन ऑन हिज हेड। उसके सर पे खून का एक दाग था यानी उसे चोट लगी थी। तो बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह अभी और कामना उस चेन को फेंक रहे हैं और वो लड़का उस चेन को पकड़ के ऊपर उठ रहे हैं और अभी और कामना उस चेन को ऊपर खींच रहे हैं। थ्री चिल्ड्रेन बिकम फ्रेंड्स। ये तीनों बच्चे दोस्त बन गए हैं। अभी एंड कामना लेट द बॉय प्ले विद द स्नेल इन द पेल। अभी और कामना ने बाल्टी में उस स्नेल के साथ उस लड़के को खेलने दिया। पापा से यू आर गुड चिल्ड्रेन। पापा ने कहा तुम अच्छे बच्चे हो। बच्चों चैप्टर एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। नंबर वन लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम अंडर ईच। पिक्चर को देखो और इसके नीचे इसका नाम लिखो। सी चिल्ड्रेन हेल्प बॉक्स इज ऑल्सो गिवन। सो फर्स्ट वन इज SAIL सेल। सेकेंड वन इज CHAIN चेन। देन इट इज SNAIL स्नेल। एंड देन इट इज PAIL पेल। एंड द लास्ट वन इज TRAIN ट्रेन। नंबर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए वेयर आर अभी एंड कामना गोइंग। आंसर अभी एंड कामना आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू गोवा। नंबर बी हाउ आर दे गोइंग। आंसर दे आर गोइंग बाई सीप। नंबर सी हु इज ड्राउनिंग। आंसर अ स्मॉल बॉय इज ड्राउनिंग। नंबर डी हु सेव द बॉय। अभी एंड कामना सेव द बॉय। नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। नंबर ए अभी वांट्स टू डैश ऑन अ सीप सेल ऑन अ सीप। नंबर बी कामना लाइक द साउंड ऑफ द डैश ट्रेन। नंबर सी अभी एंड कामना पुट द डैश इन अ पेल स्नेल इन अ पेल। नंबर डी अभी थ्रो द डैश टू द बॉय अ चेन टू द बॉय। नंबर ई द बॉय हैड अ ब्लड डैश ऑन हिज हेड स्टेन ऑन हिज हेड। नंबर फोर राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। नंबर ए फाइंड लॉस। नंबर बी गो कम। नंबर सी स्टार्ट स्टॉप। नंबर डी थ्रो कैच। नंबर ई गुड बैड। नंबर एफ पुल पुश। नाउ द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।